ground as far as the BJP versus Congress tussle and Congress's internal tussle is concerned. Meanwhile, viewers, we're shifting our focus to some high-octane political developments, this time in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi has taken a sharp dig at the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress government in West Bengal during his public rally in Krishnanagar. He has stated, and I quote, that the TMC has used women as a vote bank. He did so while raking up the Sandesh Khali issue and has stated that the women of Sandesh Khali kept asking for justice, yet the TMC government did not hear them. He stated that the police in Bengal does not decide when a criminal must be arrested, but it is the criminal who decides everything for himself. Referring to TMC leader Sheikh Shah Jahan, PM Modi has stated that the Trinamool Congress did not want the prime accused in Sandesh Khali to be arrested. Let's in fact listen in to what the Prime Minister has said. पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो। Joining us on the broadcast is my colleague Renik Datta. Renik, a big attack mounted by the Prime Minister against Mamata Banerjee-led TMC government in West Bengal. Take our viewers through these details. एकदम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बड़ा स्टेप लिया गया है, क्योंकि ये जो माँ माटी मानुष, ये स्लोगन टीएमसी का पहला दिन से था। 2011 साल में टीएमसी जब क्षमता में आए उसी टाइम से नारा था माँ माटी मानुष, और ये स्लोगन को ही अभी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली हिट किया, क्योंकि माँ माटी मानुष का जो ये स्लोगन देखते ही हुए टीएमसी की तरफ से महिला वोट बैंक को करीब लिया जा रहा था, ऐसा प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। मगर संदेश खाली का ये जो इशू, ये इशू को भी प्रधानमंत्री जी सामने ले आए। माँ माटी मानुष का जो सरकार, वो सरकार माँ के लिए क्या कर रहा है, ये सवाल प्रधानमंत्री जी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उठाया गया। और इसके साथ साथ ही शेख शाहजहां का गिरफ्तारी में शेख शाहजहां का नाम ना लेते हुए प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिस तरीके का ब्लेम किया गया है, उसमें साफ साफ गवर्नमेंट के ऊपर जो पुलिस का स्टेप था, पुलिस का जो ये 55 दिन तक शेख शाहजहां को नहीं पकड़ पाना, और इसमें सवाल उठा दे रहा है, क्योंकि शेख शाहजहां का जो बॉडी लैंग्वेज, जब वो गिरफ्तार हुआ था, जब उनको कोर्ट प्रोडक्शन किया गया था, उसका जो बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि इनको देख के कभी भी पता नहीं चल रहा कि इनको पुलिस गिरफ्तार किया है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आज वही बात का जिक्र किया गया कि जिस मुजरिम को गिरफ्तार करना चाहिए, मुजरिम खुद डिसाइड करता है वो कब सरेंडर करेगा, कि वो गिरफ्तार होगा कि नहीं, क्योंकि 55 दिन बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था पुलिस, और इस बात को लेकर भी चर्चा हुआ। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को या टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को हिट करने के लिए प्रधानमंत्री ने दोनों तरीके चुने। एक तो उनका जो मेन स्लोगन माँ माटी मानुष, वो माँ माटी मानुष को हथियार करते हुए उनको हिट किया, और दूसरी तरफ
शेख शाहजहां के जैसे जो मुजरिम वो कब अरेस्ट होंगे, और उसके अरेस्ट के बाद जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज रहता है टीएमसी का लीडर शेख शाहजहां का, उसी टाइम का जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। यानी बोल सकते हैं कि ये संदेश खाली इशू और इसके साथ टीएमसी का हर एक नेता के नाम पे जो भ्रष्टाचार का अभियोग, ये सब मिलाकर जो पश्चिम बंगाल बीजेपी का जो वोट कैंपेन, वो वोट कैंपेन चलने वाला है, वोट कैंपेन के लिए कौन से रास्ते में जाना चाहिए, वो ये दो दिन के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है। कल भी देखा गया था आरामबाग में 6 पॉइंट को सामने ले आया था, जिसमें से संदेश खाली का घटना भी था, भ्रष्टाचार का घटना भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं करने देने का मामला भी था, और उसके साथ साथ ही जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो माइनॉरिटी वोट बैंक का बात भी वो कल किए थे। और आज भी फिर से संदेश खाली का इशू को प्रधानमंत्री जी के तरफ से जब सामने ले आया गया, माँ माटी मानुष का जो स्लोगन, ये स्लोगन को जब हिट किया गया है, और उसी बीच में बोल सकते हैं कि संदेश खाली इशू को ही सबसे पहले रखते हुए टीएमसी को इस चुनाव में, इस इलेक्शन का जो कैंपेन होगा, ये कैंपेन में भिड़ने का जो ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री जी की तरफ से या बीजेपी के मुखिया ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बोल दिया गया है, पूरा स्पष्ट कर दिया गया है कि बंगाल बीजेपी ये पूरा इलेक्शन कैंपेन में किस तरीके से संदेश खाली इशू को और ममता बनर्जी का सरकार के अगेंस्ट में, ममता बनर्जी का ये पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में, तृणमूल के हर एक नेता के अगेंस्ट में जो भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में किस तरीके से वो लोग आगे आएंगे, उसका परिचय भी दिया गया, उसका नमूना भी सामने रखा गया। और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके का स्लोगन में जो बात बोलते हैं कि माँ माटी मानुष, ये माँ माटी मानुष को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, उस बारे में भी बात किया जाए, तो ये जो सीट का टारगेट है, 35 सीट का टारगेट है बीजेपी का बंगाल में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है ये कृष्णनगर। ये कृष्णनगर जिस जगह में आज प्राइम मिनिस्टर का सभा था, इसमें मोहा मोइत्रो जो सांसद पद से उनको हटा दिया गया है, और ये इसी सीट से प्रधानमंत्री जी का ये इस तरीके का बयान देना, संदेश खाली को लेकर बयान देना, और उसके साथ तृणमूल का जो मेन स्लोगन, टाइटल स्लोगन है माँ माटी मानुष, इनको लेकर जो बात करना, क्योंकि ये पूरा महिला सीट है, और महिला सीट में इस महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बंगाल में हो रहा है, वो चीज को सामने ले आना पूरा पूरी बंगाल बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, ऐसा ही कह सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.